हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग को स्टार्ट नहीं की हूँ, आज मैं दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ, जब नहा धो करके फ्री हो गई थी तब से। होता है ना, कभी कभी हम कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपना काम करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से। और अभी मैं बैठ गई हूँ और अभी मैं पढ़ रही हूँ CDP। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि मैं अभी करेंटली STAT की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जो कि मैं चंद्रा क्लासेस का मैंने पेड कोर्स लिया हुआ है, मैं वहाँ से अपने कोर्स को कंप्लीट कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपने हैंड नोट्स बनाती जा रही हूँ। आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो चलो फ्रेंड्स पहले कर लेते हैं, फिर तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। और सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं STAT की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, और वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि STAT का भी कुछ भी अता पता नहीं है, हालांकि आज ही बैठक हो रही है CM, जो हमारे CM योगी जी हैं उनके, और साथ ही साथ जो भी मेंबर हैं उनकी, तो देखो क्या डिसीजन निकल के आता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो एक अलग है। तो कब तक हम STAT के लिए इंतज़ार करते रहेंगे और कब तक हम बेरोजगार बैठे रहेंगे? तो अभी जैसे कि 3 से 4 साल हो गए, अभी कोई भी सुपरटेट वैकेंसी नहीं आई है और आगे का भी कुछ अता पता भी नहीं है, तो फिर क्यों ना हमें कोई एक गवर्नमेंट जॉब ले लेनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि अभी जो भी फॉर्म आ रहे हैं उन्हें मेरे हिसाब से फिलअप करना चाहिए। और अगर जैसे कि हम अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और प्रिपरेशन करते करते अगर हमारे हाथ में कोई एक जॉब आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। तो अभी SSC CGL के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी आउट हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो लोग कम्पिटेटिव स्टूडेंट होते हैं वो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि SSC CGL के फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप लोग सभी लोग उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाता है, एक सीट मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है जैसे कि चलो, तो कम से कम आपका जो स्टडी करने का रूटीन है वो बना रहेगा। और साथ ही साथ मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब तक कोई एग्ज़ाम ना हो सर पर, तो तब तक ना मन भी नहीं लगता है स्टडी करने में, तो एक उसका प्रेशर रहेगा, तो आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कर पाएंगे। 2 से 3 महीने मिलेंगे हमें एग्ज़ाम के लिए SSC का, और 3 महीने अगर आप कंटिन्यू 10 से 12 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं, तो बहुत अच्छे से आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो और अभी अप्रैल के ही लास्ट वीक में मे बी DEET+B का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप लोग DEET+B में भी डालें फॉर्म, और जो जो आपको फॉर्म मिले आप उन सारे फॉर्म को फिलअप करते जाएं। बस मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो चलो फ्रेंड्स, अब फिर से अपनी स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज पढ़ रही हूँ मैं घास, जो घास मैदान होते हैं वो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा घास मैदान UP TET के लिए भी ज़रूरी है और साथ ही साथ में SuperTET के लिए भी। और फिलहाल मैं तो SuperTET की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जो कि 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटे की क्लास मैं पूरी कर ली हूँ। अब उसके बाद मैं साइंस ले ली हूँ, और साइंस का ये फर्स्ट टॉपिक है पोस्टर, जिसे मैं कंप्लीट करूँगी। और इससे पहले जो मैं क्लासेस थी वो 3 क्लासेस थी उसकी डेमो की, जो कि उसमें सारा सिलेबस वगैरह और हमें क्या क्या पढ़ना था साइंस में, और साइंस में कौन से ज़्यादा कौन सा पोर्सन है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दी गई थी। और जो होता है ना ऊपरी पूरा सिलेबस समझाना, वो चीज़ें थी 3 क्लासेस में। तो अब जो इम्पोर्टेंट जो क्लास है जहाँ से हमें नोट्स बनाने हैं, वो आज से स्टार्ट हुई है मेरी। तो चलो फ्रेंड जल्दी से हम अपने नोट्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग के 5 बजे तक मैं कंटिन्यू स्टडी करने वाली हूँ, उसके बाद आज मंडे है तो मम्मी को आज और मंदिर जाना है, तो आज अब हम मंदिर चले जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स मंदिर में मिलते हैं। मंदिर में हम अच्छे खासे माता रानी के दर्शन कर आए हैं, और अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब